नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन की, कौन बनेगा करोड़पति के शो में। इस वक्त बहुत ही अच्छी तरीके से शो को मनोरंजन करते हुए यहां पर अमिताभ बच्चन नजर आते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन उस शो में काम करते हुए कुछ ऐसी बात बोल देते हैं कि यहाँ पर सवाल खड़े हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन बोलते हैं, पता नहीं क्या समझता है ये आदमी, किसको ऐसा शब्द बोलते हुए नजर आए, किससे इस तरह की बात करते हुए नजर आए अमिताभ बच्चन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है इस बात को लेकर कि कौन बनेगा करोड़पति में जो शो हम करते हैं, ऐसा मत समझिए कि शो खत्म होते ही हम घर चले जाते हैं, हमें 2 घंटे और यहाँ पर बैठना होता है, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग आए हैं सभी के साथ फोटो खिंचाना होता है, तो उसके लिए हम तैयार होते हैं और 2 घंटे तक हम बैठेंगे। और ये सब हमारे ग्राहक हैं, और अगर ग्राहक को खुश नहीं करेंगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। इस तरह की बात यहाँ पर अमिताभ बच्चन करते हुए नजर आते हैं। साथ ही आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन जितने मजेदार तरीके से बात कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से ऑटोग्राफ हो, काफी लोग पदार्थ लेकर आते हैं, हमें उनके पदार्थ भी लेने होते हैं, लेकिन इसी बीच अगर हम मना कर दें तो ये लोग नाराज भी हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन कहते हुए नजर आए कि अगर हम किसी को ऑटोग्राफ ना दे या किसी का सामान ना ले, किसी का गिफ्ट ना ले, तो ये लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, और ये भी कहेंगे कि पता नहीं खुद को क्या समझता है ये आदमी। तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन जो है वो ये बात उन लोगों को कहते हुए नजर आ रहे हैं, अगर अमिताभ बच्चन ने फोटो नहीं खिंचाया, ऑटोग्राफ नहीं दिया, तो यहाँ पर लोग ये कहेंगे कि अमिताभ क्या समझता है खुद को। तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन काफी मजेदार किस्से सुनाते नजर आते हैं और ऐसी बातें भी करते हुए नजर आते हैं, और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि शो खत्म होने के बाद भी वो 2 घंटे यहाँ पर लोगों के साथ, जो उनके फैन फॉलोइंग है, जो वहाँ पर फैंस आते हैं, वो कल मिलेंगे या नहीं ये सोच कर उनके साथ फोटोग्राफ्स करा देते हैं और उनको अपने साथ एक फोटो दे ही देते हैं। आपको कैसा लगा ये मजेदार किस्सा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइव।